Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ तो हम सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, चैप्टर टू है। तो आपको देखो ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो यहाँ से क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन ये सेम है, तो ये वन हो जाएगा और ओनली एक्स बच जाएगा। अब इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यानी एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये रेंज है। ऐसे ही कोस इनवर्स कोस एक्स में से ये कैंसिल होके वन बन जाएगा, ये एक्स आ जाएगा और इसकी रेंज क्या होती है, जीरो टू पाई। ऐसे ही आप टेन इनवर्स एन एक्स को देखते हो तो यहाँ जैसे जैसे सेम होता है, जैसा इनवर्स है उसका सेम ही वैसा उसके एंगल में दिया हुआ है तो वो कैंसिल हो जाता है और ओनली एक्स बच जाता है, या थीटा दिया होता तो थीटा बच जाता और बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखेगी ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई बिटवीन पाई बाई टू, यहाँ ये सिंबल कौन सा था, ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो ओपन इंटरवल में ये नहीं आता। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से नीचे कोट इनवर्स का दिया हुआ है, सिकेंड इनवर्स का और कोसेकेंड इनवर्स का। तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इससे। अभी नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स, एंगल में माइनस दिया हुआ है तो ये एंगल में माइनस ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये इसका डोमेन है, पहले रेंज थी अब ये डोमेन है कि माइनस वन टू वन आएगा। ऐसे कोस इनवर्स के एंगल में माइनस दिया हो तो ये अब देखना है कि कोस किस में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट यानी 180 तो उसको पाई से लिख दें तो पाई माइनस कर देंगे। ऐसे टेन इनवर्स माइनस एंगल है तो माइनस बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये इसकी क्या है, डोमेन है यानी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे कोट इनवर्स के एंगल में है तो वो 80 में से माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। अब जो याद रखने वाली प्रॉपर्टीज है वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स इनवर्स में है बट दोनों के एंगल में सेम होना चाहिए, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, पाई बाई टू के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट, ये देखो कि एक्स एक्स सेम दिया हुआ है, यानी यहाँ 45 होना चाहिए था, 30 तो 30 होना चाहिए था, तो वो भी पाई बाई टू के इक्वल होता है। ऐसे को सेकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी एंगल सेम होना चाहिए तो वो पाई बाई टू के इक्वल होता है, ये ध्यान रखने। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज और है, कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसे टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, यहाँ एक्स और वाई की जगह कुछ भी दिया हो सकता है, कुछ भी एंगल दिया हो सकता है, कुछ भी वैल्यू दी हो सकती है, तो इसको हम ऐसे बिलोंग कर सकते हैं। फिर है टेन इनवर्स एक्स माइनस का, तो देखो प्लस था तो ऊपर प्लस आ गया और नीचे माइनस आ गया, तो माइनस होता है तो ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है। ऐसे ही अगर तीन दिए हो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड, अगर थ्री दिए हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड, तो कैसे लिखते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड अपॉन में वन माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस में एक्स वाई, यानी पहले तो तीनों का प्लस कर दिया, फिर माइनस में उन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया, फिर अपॉन में वन माइनस करके दो दो का प्रोडक्ट, पहले दो का कर लिया माइनस में, फिर दूसरे दो का, फिर माइनस में पहले और तीसरे का। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर एक नेक्स्ट है टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इन प्रॉपर्टीज का लगभग बस इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके ये सारी जो एक्सरसाइज है हम उसको सोल्व कर लेंगे। इसमें वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है बट हम उनका यूज नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपली इन्हीं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का यूज करवा के उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। फाइंड दी वैल्यू ऑफ की कोस इनवर्स कोस टू पाई की वैल्यू निकालनी है, तो सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कोस इनवर्स कोस टू पाई बाय थ्री। अब ध्यान रखना है कि हमें कोस इनवर्स कोस पाई को कैंसिल करके वन कब बनाना है, जब ये बिलोंग कर रहा हो उसकी रेंज में। आपको पता है कि कोस इनवर्स एक्स है वो बिलोंग करता है जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, तो टू पाई बाई थ्री देखना है कि इसके अंडर बिलोंग करता है कि नहीं। टू पाई थ्री, पाई बाई थ्री का मतलब 60 हो गया, 60 इंटू टू 120, और 120 इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इसको हम सीधा वन बना सकते हैं, यानी कोस इनवर्स कोस पाई, कोस इनवर्स कोस क्या बन गया वन, तो बच गया क्या टू पाई बाई थ्री, और टू पाई बाई थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, तो इस प्रकार से जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, टू पाई बाई। We know that हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू,
ये होगा तभी ये होता है, क्योंकि रेंज इसके बीच में आनी चाहिए, तो इसके बीच में रेंज आएगी तभी हमें इसको, तो आप देखो कि 3π/5, तो देयर फोर 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 π/2, वो इसके अंदर बिलोंग्स नहीं करता, तो इसलिए हम इसको कैंसिल करके वन नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कि इसको कौन से क्वाड्रेंट में, अब देखेंगे कि साइन क्या है, कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इसके लिए हम ऐसा क्वाड्रेंट चूज करेंगे जिसमें साइन का साइन ही रहे, वो चेंज भी ना हो, और दूसरा उस वो पॉजिटिव भी हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि क्या होता है कि साइन पाई माइनस एक्स क्या आता है, साइन एक्स ही आता है, तो वो चेंज भी नहीं होता, तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम साइन इनवर्स, और अंदर लिख देंगे साइन, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे पाई माइनस का 3π/5। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, साइन इनवर्स अंदर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5π माइनस का 3π/5, तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन 2π/5, तो ये 2π/5, देयर फोर 2π/5 आल्सो बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, क्योंकि 2π/5 क्या होता है, 72 डिग्री होता है, 72 लगता है, तो 72 -92 90 बिलोंग करता है, तो इस प्रकार से हम इसको कैंसिल, तो देयर फोर दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/5, यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, और 2π/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी जो बिलोंग करती है जो बिलोंग करती है -92 +90, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि कोस इनवर्स कोस एक्स है, कोस इनवर्स कोस एक्स है, वो बिलोंग्स करे जो बिलोंग्स करेगा यहाँ पे, जो वो बिलोंग्स करेगा कहाँ पे, 0 to π के बीच में। तो आप देखो कि 13 दिस इम्प्लाइज 13π/6 नॉट बिलोंग टू 0 to π। तो आप देखोगे कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें इसको इस टाइप से चेंज करना पड़ेगा कि जो वैल्यूज आए वो इसके अंदर बिलोंग करें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो फर्स्ट और फोर्थ में होता है। हम फर्स्ट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट पेपर कोस चेंज हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंजिंग नहीं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं होता, जो एंगल है वो वैसा वैसे ही रहता है, कोस है तो कोस रहता है, साइन है तो साइन रहता है। बट सेकंड क्वाड्रेंट का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोस पॉजिटिव है, सेकंड में जाती है तो नेगेटिव हो जाता है, तो फोर्थ में ये पॉजिटिव रहता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि कोस इनवर्स कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 2π। अब 2π लिखा प्लस में π/6, तो क्या हो गया, 2π प्लस में π/6 क्या होता है, 13π/6। अब इसमें चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएगी, कॉस कॉस π/6, क्योंकि 2π पॉजिटिव होता है और 2π प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे सभी के सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ कोस इनवर्स और कोस कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो बच जाएगा π/6, और π/6 देखते हो कि ये बिलोंग्स करता है 0 to π, तो इस प्रकार से π/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 10 इनवर्स 10 5x, तो यहाँ पे सिंपल ही सीधा ही कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 क्या हो जाएगा, 1, तो बच जाएगा क्या, 5x, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5x। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट इनवर्स कोट माइनस का π/4, अब यहाँ पे ये -π/4 दिया हुआ है, क्योंकि जो कोट इनवर्स कोट एक्स है वो बिलोंग करता है 0 to π बिटवीन, 0 to π बिटवीन, तो यहाँ पे ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि माइनस का इसमें आता नहीं, तो इसलिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि कोट इनवर्स किस में नेगेटिव होते, नेगेटिव, तो इसके लिए हम सिर्फ पहले कोट इसको लेते हैं, कोट माइनस का π/4, कोट माइनस का π/4, यानी जो ये बाहर निकल जाएगा क्या बन जाएगा, कोट π/4। आप देखो कि कोट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस π/4 किया, इसको यहाँ से सोल्व किया एलसीएम लेके, तो कितना आ जाता है, 3π/4, 3π/, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि कोट इनवर्स कोट 3π/4, क्यों, इसको हमने चेंज कर लिया यहाँ से इस टाइप से। तो अब ये क्या है कि कोट इनवर्स कोट
वन बन गया तो बच गया थ्री पाई बाई फोर। अब थ्री पाई बाई फोर देखोगे कि बिलोंग कर रहा है जीरो टू पाई बिटवीन। थ्री पाई बाई फोर कितना 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 135 जो 10 टू पाई के बिटवीन बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे फाइंड द वैल्यूज, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, यानी यहाँ जो एंगल दिया और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हो तो वो पाई बाई टू के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है वन होता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोस वाला, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस में कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ये पाई बन जाएगा पाई बाई टू बन जाएगा। तो कोस पाई क्या होता है कोस पाई बाई टू क्या होता है जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब हम इसका करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे दिया हुआ है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कोस टू एक्स के, कोस टू एक्स के। तो इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसकी ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कोस टू एक्स। अब हमने पहले ही मैंने बताया था कि कोस इनवर्स के साथ वैसा ही कुछ लिखा हो कोस, तो वो वन बन गया तो बच गया क्या यहाँ पे टू एक्स, इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड का मैंने बता ही दिया था कि सीकेन इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकन इनवर्स एक्स पाई बाई टू बन जाएगा, और कोस पाई बाई टू पे जीरो होता है तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये खुद कर लेना सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव कोस एक्स प्लस में फोर बाई बाई साइन एक्स लिखा हुआ है। तो अब बाहर वाले कोस इनवर्स को खत्म करने के लिए अंदर कोस का ही कुछ बनाना पड़ेगा, कोस का ही कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, यानी तो कोस का प्लस कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो प्लस का ही बनेगा, तो कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी इस प्रकार बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कोस एक्स है तो इसको हमें कोस ही मानना पड़ेगा। तो लेट कर लेंगे कि थ्री बाई फाइव है उसको हम आर कोस थीटा कर लेते हैं, जैसा हमने प्लस वन में किया था कि पोलर फॉर्म करना था तो उसमें हमें ऐसे ही लेट करना होता था थ्री बाई फाइव आर कोस थीटा, और दूसरा फोर बाई फाइव है उसको हमने आर साइन थीटा लेट कर लिया। ये हमने मान लिया फर्स्ट है और ये हमने मान लिया सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वेयरिंग इन स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयरिंग इन बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें स्क्वेयरिंग किया तो 9/25 आ गया और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और इसमें जब करते हैं तो 16/25 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब इनको ऐड कर देते हैं तो 9/25 प्लस का 16/25 और इधर से आर स्क्वायर कॉमन लेके कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है। अब इधर एलसीएम लेते हैं तो 25 एलसीएम 25 आता है और ऐड करते हैं तो 25 और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर क्या होता है वन होता है। तो ये भी कट हो गया तो आर स्क्वायर कितना आ गया वन, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई। तो इस प्रकार से आर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे तो देखोगे कि इस प्रकार से आर की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या थी आर साइन थीटा, सेकेंड क्या थी आर साइन थीटा, उसको डिवाइड कर दिया आर कोस थीटा से इस साइड में, और इधर आया 4/5 डिवाइड में क्या आ जाएगा 3/5। तो आर से आर कट हो गए थे, ये बन गया टेन थीटा, और इधर आप देखोगे कि 5 से 5 कट हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 10 की थीटा की वैल्यू निकालें तो 10 उधर जाके क्या बन जाएगा इनवर्स, तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 4/3। इस प्रकार से हम इसकी 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो वैल्यू मानी थी वो पुट कर लेंगे कि हमने 3/5 को आर कोस थीटा माना था, आर की वैल्यू तो 1 ही है तो इसको हमने माना था आर कोस थीटा कोस एक्स, और 4/5 को माना था आर साइन थीटा साइन एक्स। तो आर दोनों में कॉमन आएगा लेकिन वो वन है तो वन ही रह जाएगा, तो वन वैल्यू पुट की तो ये वन ही हो गया। तो बच गया क्या कोस थीटा कोस एक्स प्लस में साइन थीटा साइन एक्स। अब ये ध्यान से देखो ये आइडेंटिटी बनती है कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी बनती है कोस ए माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये बनती है आइडेंटिटी कोस
थीटा माइनस एक्स यानी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है। अब यहां से देखो कि कोस इनवर्स कोस कैंसिल होकर वन बन जाएगा, तो थीटा माइनस एक्स बच जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या बचेगा, थीटा माइनस एक्स ये यहाँ पे बच जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस ए कोस बी प्लस में साइन एक्स को ए मान लेते हैं, तो ये ऐसे भी बन सकता है कि कोस इनवर्स कोस एक्स माइनस का थीटा, हमें इसको ऐसे ले लेते हैं। तो क्या बन गया, ये कैंसिल हो गया, वन बन गया, तो बन गया एक्स माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज क्या बन गया, एक्स माइनस थीटा। अब यहाँ एक्स तो है ही, थीटा की वैल्यू क्या थी, ये आप ध्यान से देखो कि टेन इनवर्स पाई बाय फोर, तो यह लिख देते हैं टेन इनवर्स पाई बाय फोर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।